नमस्कार दोस्तों, मोगरा मेडिसिन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जली हुई स्किन की दवाइयों के बारे में या फिर बर्न स्किन के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेडिसिन के रिलेटेड ऐसी ही अच्छी जानकारी मिल सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं सोप्रामाइसिन क्रीम के बारे में, जो कि जली हुई स्किन के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या बर्न स्किन के लिए सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये एनक्यूब इथिक्स कंपनी द्वारा बनाई जाती है और इसका उपयोग एंटीबायोटिक्स के रूप में किया जाता है। बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको फ्रामाइसिटिन 1% देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसके डोसेस के बारे में बात करें तो इसे आप दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हो। इसे आप अपने घाव पे या जले हुए स्किन पे दिन में 2 से 3 बार लगाना है। इसके बाद है दोस्तों बेटाडीन ऑइंटमेंट, ये वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट है। इसमें आपको पोविडीन आयोडीन देखने को मिलेगा, जिसका इस्तेमाल चोट लगने पर या नॉर्मल स्किन बर्न के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। मतलब नॉर्मल स्किन, जली हुई स्किन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इसके डोसेस के बारे में बात करें तो इसे आप दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हो या फिर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार इसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है दोस्तों न्यूस्पोरिन ऑइंटमेंट, जो कि गैलेक्सो स्मिथ कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसमें आपको नियोमाइसिन पोलीमैक्सिन और बेसिट्रेसिन देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल नॉर्मल स्किन बर्न के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। और इसके डोसेज के बारे में बात करें तो इसे आप जले हुए स्किन पे या अपने घाव पर दिन में 2 बार लगा सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार इसे आप अपने स्किन पे लगाना है। इसके बाद है दोस्तों सिल्वर एक्स जेल। इसमें आपको सिल्वर नाइट्रेट देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल बर्न स्किन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इसके डोसेज के बारे में बात करें तो इसे आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हो। तो दोस्तों, ये थे क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स जिनका इस्तेमाल जली हुई स्किन के लिए या फिर बर्न स्किन के लिए किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं टैबलेट के बारे में, जिनका इस्तेमाल बर्न स्किन को ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है या जली हुई स्किन के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम टैबलेट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बर्न स्किन के ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्लैवम टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसमें आपको एमोक्सिलिन और पोटेशियम क्लैवोनेट देखने को मिलेगा। इसके डोसेज के बारे में बात करें तो इसे आप दिन में 2 बार कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करने से जली हुई स्किन जल्दी सूख पाएगी या फिर घाव अपना जल्दी भरेगा। ये एंटीबायोटिक्स टैबलेट है। इसके बाद है दोस्तों एजी 500 मिलीग्राम टैबलेट। इसमें आपको एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम देखने को मिलेगा। और दोस्तों, बर्न स्किन के ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इसके डोसेज के बारे में बात करें तो इसे आप दिन में 1 ही बार लेना होता है या फिर आप अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इसका सेवन करें। इसके बाद है दोस्तों जेपी 200 मिलीग्राम टैबलेट। इसका भी इस्तेमाल बर्न स्किन में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। इसमें आपको सेपिक्जिम 200 मिलीग्राम देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसके डोसेज के बारे में बात करें तो इसे आप दिन में 2 बार यूज़ करना है ताकि आपका घाव जल्दी भर सके। तो दोस्तों, ये थे क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स और टैबलेट जिनका इस्तेमाल जली हुई स्किन या बर्न स्किन के ट्रीटमेंट के लिए मार्केट में सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इन टैबलेट्स या क्रीम का यूज़ करने से पहले कभी भी आप अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इनका सेवन करें। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।